हेलो डियर स्टूडेंट रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में दिवाकर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है फिजिक्स में वो है प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें हम लोगों ने दो लेक्चर पहले ही कर चुके हैं आज थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड होगा तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा एपेबल इज थ्रोन डेट इजेबल का मतलब होता है एक मतलब पत्थर इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए ब्रिज मतलब एक ब्रिज है मान लेते हैं कि ये ब्रिज है ठीक है इस ब्रिज से एक पत्थर को

यू वाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4.90 मीटर पर सेकंड डेट इज़ यू और चूंकि ये अपवर्ड फेंका जा रहा है तो यहाँ पे हम प्लस साइन लेंगे राइट टाइम कितना लग रहा है इसे वाटर लेवल में आने के लिए दो सेकंड तो यहाँ पे दो सेकंड आ जाएगा राइट अब हमें मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे एच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये क्यों यूज कर करे क्योंकि यहां पे जो एक्सेरेशन है एक्सलेशन ये क्या है कांस्टेंट है और ये ड्यू टू ग्रेविटी पे लगेगा और ये क्या होगा माइनस जियो हो. क्यों माइनस जी लगेगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है और डाउनवर्ड के लिए हम लोग माइनस साइन लेते हैं अपवर्ड के लिए प्लस साइन लेते हैं अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन हो गया डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है नीचे की ओर ट इज ओरिजिन डाउनवर्ड जा रहा तो है माइनस तो ये साइन हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई क्या अपवर्ड मोशन फोर मीटर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना लग रहा है टू ठीक है प्लस हाफ जी की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है माइनस जी तो माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड हम लोग तो लिख सकते हैं स्क्वायर इन टू टी स्क्तना है टी इज इक्वल टू टूट इज फोर सेकेंड राइट तो यहाँ से देखिए माइनस एच इज इक्वल टू ओके ये कितना हो जाएगा नाइन पॉइंट एट ओके माइनस ये क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई टू ओके क्योंकि दो से ये कैंसिल हो जाएगा अब ये क्या हो जाएगा वन नाइन पॉइंट एट है इसमें से दो नाइन पॉइंट एट जाएगा तो माइनस नाइन पॉइंट एट आ जाएगा तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस नाइन पॉइंट एट ये क्या हो जाएगा मीटर तो एच इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर तो कितना देखिए माइनस और माइनस जैसे ही हम साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हाइट ऑफ ब्रिज जो होगा वो कितना हो गया नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड अगर यहां पे हाइट हम प्लस लेते हैं राइट और साइन कन्वेंशन अगर थोड़ा सा भी यहां पे गड़बड़ होता तो क्या होगा यहां पे हाइट की वैल्यू निगेटिव में आ जाती तो वहां पर हम इस तरह से सोचते हैं कि बिलो है राइट right? लेकिन यहाँ पे पहले ही हम ये ले लिए हैं कि ये ओरिजिन से नीचे है डेट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये जो हाइट है वो निगेटिव है तो हाइट हमारा एट नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड हो गया तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले हम डिफाइन करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके बाद जो साइन कन्वेंशन है उसे यूज करेंगे और फर्दर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का उसे यूज करके हम क्वेश्चन को आसानी में से सॉल्व कर सकते हैं चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थर्टी डिग्री फ्रॉम हरिजोनटल विथ ए वेलासिटी नाइन्टी एट मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये मेरा हॉरिजोनटल ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हमने प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट किया हॉरिजोनटल से कितना एंगल पे थर्टी डिग्री पे तो ये मेरा यू है और ये एंगल ठीठा दे रखा है तो ठीठा इज इक्वल कितना है थर्टी डिग्री और विथ वेलासिटी यू कितना है तो यू है हमारे पास नाइन्टी एट मीटर पर सेकेंड अब कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ओके तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला किया था मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा टी इज इक्वल टू यू साइन ओवर जी ओके तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे मैक्सिमम हाइट कहाँ आएगा यहाँ पे तो यहाँ तक आने के लिए क्या हो गया यू साइन थीटा ओवर जी और यू कितना है मेरा 98 एट मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा साइन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा वन बाई टू तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन पॉइंट टू इंटू जी कितना है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा दस से और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होकर कि कितना हो गया पाँच सेकेंड तो टाइम कितना लगेगा इसको जाने में फाइव सेकेंड यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है right? राइट नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट एच क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर टू जी डेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीठा टू जी राइट और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीठा ओवर टू जी के लिए हम यहाँ पे यू कितना ले लेंगे पर सेकेंड है तो नाइनटी एट मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी एट ये क्या हो गया हमारा यू स्क्वायर साइन थीटा कितना हो गया वन बाई टू तो साइन स्क्वायर है तो वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू साइन स्क्वायर ठीक हो गया डिवाइड बाई टू जी कह रहा है टू इंटू जी वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन पॉइंट एट तो यहाँ से नाइन पॉइंट एट को हटा देंगे तो हमें यहाँ दस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट कट गया अब ये हमारा कितने बार में कैंसिल हो जाएगा फोर्टी नाइन टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा कुल मिलाकर यहाँ हम देखेंगे तो ये हो गया फोर नाइन्टी डिवाइड बाई फोर इतना मीटर आ जाएगा ठीक है अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आएगा आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है अब कह रहा है हमने यहाँ पे निकाले टाइम टोरीज मैक्सिमम हाइट निकाल लिया कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट जाने में मैक्सिमम हाइट निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट अब चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा जो टाइम टोरीज मैक्सिमम हाइट है इसका डबल होगा तो दस सेकेंड हो जाएगा सी का पार्ट क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है टू यू साइन थीठा ओवर जी तो यहाँ पे यू साइन थीटा ओवर जी कितना आया था फाइव सेकंड तो टू यू साइन थीटा ओवर जी कितना आ जाएगा टेन सेकंड तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल गया अब क्या रहा है होरिजोनटल रेंज निकालने के लिए तो ये तो वर्टिकल हाइट हो गया अब रेंज की फार्मूला जो होता है ये फार्मूला बेस्ट पे सारा क्वेश्चन है ना। जो रेंज का फॉर्मूला होता है, है ये है यू स्क्वायर साइन एसक्वायर साइन टू थीठा ओवर जी ओके okay, तो यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नाइन्टी एट तो यहाँ पे नाइन्टी एट स्क्वायर हो जाएगा साइन टू कि थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री तो टू थीटा इज सिक्सटी डिग्री साइन टू थीटा इज सिक्सटी साइन सिक्सटी डिग्री तो इसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है और जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होती है ठीक है तो अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करके रेंज की वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट फार्मूला के बेस्ट पे जो भी क्वेश्चन था ये डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन था तो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्योरी डिस्कस किया उसमें फॉर्मूला यूज जो फॉर्मूला डिराइव किया गया उसे आप याद रखेंगे तो ईजी वे में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है और ये इस तरह के क्वेश्चन आसानी से जनरल कॉम्पिटिशन में पूछ दिए जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होगा यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट अब ये देखिए इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन है ए क्रिकेटर थ्रो ए बॉल विथ ए वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड अब देखिए क्रिकेटर थ्रो किया बॉल एट एंगल कितना से सिक्सटी डिग्री से तो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्ले ये हो गया यहाँ से हमने सिक्सटी डिग्री से क्रिकेटर ने थ्रो किया ये हमारा वाई एक्सिस हो गया ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ओके नाउ देन ही रन टू कैच अब फेंका और ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया द सेम बॉल व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी सो दैट ही मे कैच द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड जब ये स्ट्राइक करेगा ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइट जो है क्रिकेटर का और हैंड का पोजीशन सेम रहेगा मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसका वो सेम रहेगा तो यहाँ पे जब ये हाइट ये जब ये हिट करेगा तो इस टाइम में क्रिकेटर को भी यहाँ पे होना चाहिए तो देखिए लेट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ क्रिकेटर इज कैपिटल वी ठीक है क्यों क्योंकि स्मॉल वी यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी तो वी स्मॉल जो प्रोजेक्टाइल का है वो 60 डिग्री है और ठीठा एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे हमारा 60 डिग्री तो ये 60 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं और ये 60 डिग्री हो गया अब देखिए जब ये यह प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा जब बॉल यहाँ पहुंचेगा तो उस टाइम तक ये uh, क्रिकेटर भी यहाँ तक पहुंचना जरूरी है तभी कैचअप कर पाएगा तो पोजिशन दोनों का सेम क्या हो, हो जाएगा तो पोजिशन यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट क्या हो गया पोजिशन ऑफ बॉल मस्ट बी इक्वल टू पोजिशन ऑफ क्रिकेटर राइट और पोजिशन ऑफ क्रिकेटर क्या हो जाएगा लेट टी टाइम के बाद ये इसे कैच कर ले तो टी तो टाइम क्या होगा वी इंटू टी दिस इज इक्वल टू होरिजोंटल रेंज ऑफ विच वन प्रोजेक्टाइल दट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू यू कॉस इज यू एक्स इन टू टाइम ऑफ फ्लाइट टी राइट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो v इज इक्वल टू यू कॉस ठीठा ये हो जाएगा और u कितना है मेरे पास u इज स्मॉल v डेट इज 60 डिग्री सिक्सटी इंटू कॉस्ट सिक्सटी डिग्री क्या है हाफ तो इसे हम कैन कैलकुलेट करेंगे तो ये थर्टी मीटर पर सेकेंड होगा तो मतलब थर्टी मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर बॉलर दौड़ेगा तो उस बॉल को ये आसानी वे में कैच कर लेगा तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि पोजिशन वैक्टर हमारे पास यहाँ पे सेम करना था जो गिविन इंफॉर्मेशन दिया है उसे देख के ठीक है तो इस तरह से जो फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एनालिसिस करना होगा कि सिचुएशन क्या सिचुएशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को पुट करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट है उसे हम अप्लाई करेंगे और जो भी इक्वेशंस हैं इक्वेशन की वैलिडिटी को देखते हुए उस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे जैसे अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम आराम से इसमें कोई डाउट नहीं है हम वी इज इक्वल टू न्यूटल्स लॉज का जो मोशन का मतलब वी इज इक्वल टू यू प्लस ई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ई टी ये इक्वेशन लगा सकते हैं जब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो इस तरह से सिचुएशन को एनालाइज uh, करना बहुत ज़रूरी है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मेकिंग एन सर्टेन एंगल विथ ओरिजोनटल तो एक प्रोजेक्टाइल है फिर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इसको थ्रो किया गया ओरिजिन से किस एंगल से सर्टेन एंगल ठीठा से तो ये एंगल हमें दे रखा है इफ इट्स असेंट इज फोर टाइम्स वाट इज असेंट एसेंट इज फोर टाइम्स देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट हेयर द क्वेश्चन इज इट्स टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे टाइम छूट गया है टाइम्स ऑफ एसेंट इज फोर सेकेंड मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक आने के में जितना टाइम लगता है वो टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड लग रहा है तो क्या कह रहा है निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा तो प्रोजेक्टाइल को ठीठा एंगल से फेंका जा रहा है तो प्रोजेक्ट देखेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट फोर सेकेंड दे रखा है तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू यू साइन थीठा ओवर यू साइन थीठा ओवर जी दिस इज द टाइम ऑफ असेंट राइट दैट इज दिस इज इक्वल टू फोर सेकेंड एंड हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट तो एच मैक्सिम जो है मैक्सिमम हाइट इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीठा ओवर टू जी ओके तो यहां से अगर हम एच मैक्सिमम निकालना चाहें तो देखिये इसको क्या ले सकते हैं u स्क्वायर स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर ओके इनटू g डिवाइड बाय टू कर सकते हैं क्यों g और g कैंसिल हो जाएगा अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि u साइन थीटा ओवर g की वैल्यू हमें पता है और यहां पे हम डालेंगे इस किसकी वैल्यू कितनी है फोर तो ये हो जाएगा फोर स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ g इज नाइन पॉइंट एट डिवाइड बाई टू अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एट मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट एट तो अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एट एट जहा सिक्सटी फोर इन हैंड सिक्स और एट नाइन जहा सेवेंटी टू और प्लस सिक्स सेवेंटी एट पॉइंट फोर मीटर तो ये मैक्सिमम हाइट सेवेंटी एट पॉइंट फोर मीटर हो जाएगा तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है और बेसिक फॉर्मूला को यूज़ करके हम जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी सिक्स आई देखिए अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है किस हिसाब से दे रखा है 6i अब ये वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है जब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहता था जनरली तो वो हमारा वेलोसिटी दिया रहता था और एंगल यहाँ पे हमें पता रहता था लेकिन यहाँ पे एंगल पता नहीं है लेकिन जैसे ही वी आई इज इक्वल टू सिक्स आई प्लस वी इज इक्वल टू दिस इज वैक्टर वी वी इज इक्वल टू सिक्स आई प्लस एट जी है तो हम वैक्टर वी को कैसे ले सकते हैं देखिए ये एक्स कॉम्पोनेंट है बेसिकली तो हम वी एक्स आई और वी जे राइट वी जे जे लिख सकते हैं तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके वी एक्स इज इक्वल टू सिक्स लिख सकते हैं और वी जे दिस इज इक्वल टू डेट इज वाई दिस इज वाई कंपोनेंट दिस वाई इज इक्वल टू एट लिख सकते तो जनरली जब यू और यू और हमारे पास वी एक्स क्या था यू कॉस्टीठा था? और यू साइन लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास वी एक्स और वी वाई गिवेन अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ठीक है थिके? क्या गया वी एक्स एंड वी वाई तो वी एक्स को क्या लिख सकते हैं वी कॉस ठीठा दिस इज इक्वल टू सिक्स और वीवाई को क्या ले सकते हैं वी साइन थीठा दिस इज इक्वल टू एट तो यहां से अगर डिवाइड कर देंगे तो टेन इक्वल टू एट ओवर क्या आ गया सिक्स फोर बाई थ्री तो यहां से टेन थीठा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है राइट अब हमें कह रहा है कैलकुलेट द दॉरिजोनटल रेंज तो रेंज क्या होता है तो रेंज का हमने फॉर्मूला निकाला था आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीठा ओवर जी यही रेंज होता है अब देखिए हमारे पास यू पता है इसका मॉडलस ये जो है v सिक्स आई प्लस एट जी तो मॉड ऑफ v करेंगे तो ये हमारा u निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा छत्तीस प्लस सिक्सटी फोर्थ तो ये हो जाएगा अंडर उट हंड्रेड एंड दिस इज इक्वल टू टेन तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया टेन g का वैल्यू हमारे पास है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड अब रहा साइन टू थीटा का वैल्यू निकालना तो ट्रिग्नोमेट्री से आप साइन टू टीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे साइन टू टीठा क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे टू साइन थीठा इंटू कॉस्ट थीठा लिख सकते हैं और टाइम टेन थीटा का वैल्यू कितना है फोर बाई थ्री तो साइन ठीठा का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए साइन टीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ओवर यहाँ देखिए टू मल्टीप्लाई वे साइन टीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस हाइपोटेनस का क्या होगा परपेंडिकुलर यहाँ पे पी ओवर आ, बेस है और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडरवुड फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्ट इस फाइव तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर ओवर थ्री इंटू कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आ, फोर ओवर फाइव हाइपोटेनस फाइव हो जाएगा थ्री ओवर फाइव तो सारा वैल्यू यहाँ पे पता है इस सारे वैल्यू को हम यहाँ पे डाल के रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड जो एलिमेंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम एग्जामिनेशन में या फिर सीबीएसई के एग्जामिनेशन में नीट के एग्जामिनेशन में आसानी से ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है और जो फॉर्मूला है उसे भी बहुत ज़रूरी है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं हैव अ गुड डे जय हिंद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लिए मतलब उस लेवल का होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें हेव ए गुड डे जय हिंद